इस बीच बड़ी खबर रायबरेली से आ रही है। प्रियंका गांधी के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में जमकर प्रदर्शन किया है। प्रियंका गांधी के समर्थन में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। रायबरेली में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पुलिस ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। मिर्जापुर के चुनार गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी को रोका गया है। वही आपको पूरा मामला बताते चले, प्रियंका गांधी वाड्रा सोनभद्र में हुई घटना के बाद पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंच रही थी, जहां उन्हें मिर्जापुर में चुनार गेस्ट हाउस में ही रोक लिया गया। वही कांग्रेस कार्यकर्ता शहर में प्रदर्शन कर रहे हैं। रायबरेली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रियंका गांधी के समर्थन में कार्यकर्ता जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं। मिर्जापुर के चुनार गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी को रोक लिया गया, जिसका विरोध किया जा रहा है। सोनभद्र घटना के बाद पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंच रही थी प्रियंका गांधी वाड्रा, जहां उन्हें बीच में ही मिर्जापुर के चुनार में रोक दिया गया है। वहीं इसके साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में ले जाने का जमकर विरोध जहां देखने को मिल रहा है, वहीं रायबरेली में भी कांग्रेस कार्यकर्ता प्रियंका गांधी वाड्रा के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं, जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भी योगी सरकार को पूरी तरह से घेरने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। लगातार विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए रायबरेली समाज सा संवाददाता अखिल श्रीवास्तव जुड़ गए हैं लाइव। जे अखिल, आपसे जानेंगे जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा को जाने से रोक दिया गया, सोनभद्र और मिर्जापुर में ही उनको बीच में रोक दिया गया है, जगह जगह इसका विरोध प्रदर्शन भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है, क्या कुछ मांगे हैं इनकी और क्या जो कांग्रेस दबाव बना रही है बीजेपी पर, क्या बीजेपी बाध्य हो जाएगी प्रियंका गांधी वाड्रा को उनसे मिलने के लिए पीड़ितों से? कि जिसको पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने विपक्ष ने पूरी तरह बीजेपी को घेरने का काम किया और उसी को लेकर आज सभी परिजनों से मिलने के लिए आज प्रियंका गांधी वहां मौके पर पहुंच रही थी, जिसको लेकर वहां पे मिर्जापुर में ही प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करके गेस्ट हाउस में बंद कर दिया गया। कहीं ना कहीं ये जो पूरा डिंगरा है वो बीजेपी सरकार के ऊपर फोड़ा जा रहा है और उसको लेकर सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र रायबरेली है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और डिग्री कॉलेज चौराहा को जाम कर दिया, जिसको लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा यहाँ के राहगीरों को। और वहां पे लगभग 2 से 3 थानों की पुलिस लगी, मौके पर सीओ सिटी भी पहुंचे थे, जिसको लेकर सभी सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया, कोतवाली में रखा गया। अब देखने वाली बात रहेगी कि इस पूरे मामले को सीएम योगी, सूबे की सरकार इसको किस नजरिए से देखती, आखिर क्या कदम होता है जो आगे उठाया जाएगा। जी अखिल, जिस तरह से इस घटना के बाद से सियासत काफी तेज हो गई है, वही प्रियंका गांधी को हिरासत में ले जाने के बाद से और भी तेज हो गई, जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है बीजेपी पर। एक कहीं ना कहीं देखा जाए, एक तो छवि धूमिल की जा रही है, दूसरा उनको एक बाध्य किया जा रहा है। क्या लगता है, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा मिल पाएंगी उन पीड़ितों से? जी बिल्कुल, ये आने वाले समय की बात की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से गर्मी बढ़ती जा रही है उस प्रकार से चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही है। अब देखने वाली बात रहेगी कि बीजेपी किस नजरिए से उसको देखती है, क्योंकि प्रशासन के ऊपर दबाव आने के बाद ही प्रशासन ने प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया और पूरी तरह उनको सुरक्षा में ही रखा गया है। पर गिरफ्तारी हो जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा करता है, क्योंकि परिजनों से संवेदना व्यक्त करना किसी भी आदमी की एक मानवता होती है और किसी भी तरह उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, कहीं ना कहीं संविधान के विरुद्ध बीजेपी कार्य करने को अग्रसर है। जी, हालांकि जिस तरीके से कार्यशैली चर पर सवाल उठ रहे हैं बीजेपी की लगातार, और कांग्रेस भी पूरी तरीके से यूपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, ऐसे में बीजेपी, क्या कोई बयान सामने आया है प्रशासन की तरफ से? जिस तरह से गिरफ्तारी कर ली गई है, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, क्या कोई बयान सामने आया है अब तक? मामले पे बोलने को खासकर कैमरे के सामने तो नहीं तैयार हुआ है, पर कहीं ना कहीं दबे लफ्जों में जरूर ये चीज कहने को बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का जो दबाव है वो सरकार सत्ता का जो प्रभाव है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से यहाँ पे पूरी तरह सूबे की सरकार के देखे जाए, चाहे वो रायबरेली की बात की जाए, पूरी तरह कानून व्यवस्था चरमरा दी गई है और कहीं ना कहीं जो पूरी तरह पुलिसिंग है वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। जेखिल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव टुडे के साथ।